हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज हम प्राची पब्लिकेशंस की जो इंग्लिश ग्रामर है सिक्स्थ क्लास के लिए, उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। गाइस, इससे पहले हमने किया था कि सेंटेंस क्या होता है। आई होप कि आपने वो दोनों तीन वीडियोस थे आई थिंक इससे पहले, वो भी आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो मेक श्योर कि पहले आप उनको देख ले ताकि इसको ज्यादा अच्छे से आप समझ पाए। देखिए, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन हम पहले ही कर चुके हैं कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कोई सेंस बनती हो, मतलब मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। और सेंटेंस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमने इसके टाइप भी किए थे कि इम्पेरेटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब सेंटेंसेस के टाइप थे। लेकिन हर सेंटेंस के अंदर दो चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा उसका प्रेडिकेट। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे पता लगाया जा सकता है और प्रेडिकेट को कैसे पता लगाया जा सकता है। एक सेंटेंस गिवन है, द बॉयज रन इन द पार्क, बच्चे जो है पार्क में दौड़ रहे थे। तो इसमें जो द बॉयज है वो हो जाएगा सब्जेक्ट और रन इन द पार्क है प्रेडिकेट। तो विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस नेम द पर्सन और थिंग द बॉयज, मतलब कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जो कि ये बता रही है कि ये जो है किसी चीज का नाम है। अब नाम जरूरी नहीं है यहाँ पर अमन हो या कुछ पर्सन का ही नाम हो, बॉयज भी एक नाम ही है, यानी कि जनरल में है, बॉयज में सारे बॉयज के बारे में वो बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात नहीं कर रहा है, सभी के बारे में बात कर रहा है। जैसे नाउन होती है ना, नेम ऑफ पर्सन और अ थिंग, ऐसे ही जिस पार्ट में सेंटेंस में किसी चीज का नाम आए, किसी भी पर्सन का या किसी भी थिंग का, जैसे इसमें था वो बॉयज, वो पार्ट क्या हो जाता है, वो हो जाता है सब्जेक्ट। सो द बॉयज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी आर टॉकिंग, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है, जो उस सेंटेंस के अंदर मेन रोल प्ले कर रहा होता है, वो क्या बन जाता है, उसका सब्जेक्ट बन जाता है। और जो बाकी बच जाता है, रेस्ट जो पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हो जाता है उसका प्रेडिकेट। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी हम काफी कुछ करने वाले हैं, डोंट वरी, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। द सब्जेक्ट इज यूजली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट, स्टडी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना, वो प्रेडिकेट से पहले ही रखा जाता है ज्यादातर केसेस में, लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि पहले वाला जो होगा सेंटेंस में वो सब्जेक्ट ही होगा। ज्यादातर ऐसा होता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो मेन जो चीज है इस सेंटेंस के अंदर वो क्या है, स्टोरी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, द स्टोरी जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा और रेस्ट जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ऐसे ही नीचे है, द मैंगोज आर स्वीट, इसमें द मैंगोज सब्जेक्ट हो जाएगा। राधा वियर्स अ ब्यूटिफुल ड्रेस, राधा पहनती है एक बहुत ही सुंदर ड्रेस, तो राधा के बारे में बात हो रही है ना, तो राधा क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। डी बोलता है, द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, अब अंकल सब्जेक्ट नहीं है, वो जो आदमी वहां खड़ा है वो मेरा अंकल है। तो मेन जो चीज है किसके बारे में बात हो रही है, वो आदमी जो वहां पर खड़ा है वो लगता क्या है, मेरा अंकल लगता है। लेकिन अंकल जो है वो कहाँ है, द मैन स्टैंडिंग देयर, मेन जो पार्ट है सेंटेंस का वो है द मैन स्टैंडिंग देयर, इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, द मैन स्टैंडिंग देयर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इनमें क्या था कि जो सब्जेक्ट था वो प्रेडिकेट से पहले था। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट बाद में आता है और प्रेडिकेट पहले आ जाता है। जैसे नॉर्मल ऑर्डर के लिए क्या बोलते हैं, क्रिस स्टूड इन द मिडल ऑफ द रोड, तो इसमें क्रिश क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा एम्फेसिस डालने के लिए अलग तरीके से लिख दें, इन द मिडल ऑफ द रोड स्टूड क्रिश, तो सब्जेक्ट तो अभी भी क्रिश ही रहेगा और प्रेडिकेट इन द मिडल ऑफ द रोड स्टूड ही रहेगा, लेकिन क्या है इसमें, प्रेडिकेट के बाद में सब्जेक्ट आया। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जो चीज पहले है वही सब्जेक्ट है, जो चीज पहले है वो प्रेडिकेट भी हो सकती है। इसके बारे में भी हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे।
देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, अब आप बोलोगे कि मैंने बोला शट अप, इसमें तो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, इसमें हम कैसे मतलब पता करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या तरीका होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता लगाने का। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि क्या होते हैं, जिनमें कोई कमांड दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस दी जाती हो जिन सेंटेंसेस में, उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया था, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। फर्स्ट है कि स्टैंड अप क्विकली, इसमें कमांड दी जा रही है, तो ये कैसा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब पेपर में आपको आ जाता है कि स्टैंड अप क्विकली सेंटेंस आ गया, इसके अंदर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना है। लेकिन इसमें क्या होता है, सपोज करो मैं कह रहा हूं कि आप और मैं एक रूम के अंदर बैठे हैं, या मैं एक टीचर हूं, आपकी 30-40 बच्चों की क्लास है, मैं बोलता हूं स्टैंड अप क्विकली। तो अगर आप और मैं ही उस रूम के अंदर बैठे हैं तो उसका क्या मतलब है, यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली। कमांड तो है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है कि तुम जल्दी से खड़े हो जाओ। जैसे मैं बोलता हूँ ना शट अप, तो अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आप ही को कह रहा हूं कि तुम चुप हो जाओ। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो इम्प्लाइड होता है, जैसे कि मैं बोल दूं कि चोर पकड़ा गया, तो ऑब्वियसली बात है किसने पकड़ा होगा, पुलिस ने पकड़ा होगा। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं वो मतलब वो उनमें सब्जेक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड होता है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टैंड अप क्विकली को, यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली। जैसे इसमें सेकेंड एग्जाम्पल है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये नॉर्मल हैं। टेक रेस्ट प्रॉपरली, इसमें हम एडवाइस दी जा रही है कि जो रेस्ट है उसको कैसे लो, प्रॉपरली लो, अच्छे से रेस्ट लो। तो इसको इसका एक्चुअली मीनिंग हम डिकोड करें तो क्या बनता है, यू शुड टेक रेस्ट प्रॉपरली। अब तो कोई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी बात है, ये जो पार्ट है ये क्या है, सेंटेंस है, एंड शुड टेक रेस्ट प्रॉपरली, ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ऐसे ही इससे ऊपर वाले में यू जो हो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, मस्ट स्टैंड अप क्विकली क्या हो जाएगा, इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। देखिए यहां पर स्पेशल नोट गिवन है, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, इट इज नॉट स्टेटेड बट ऑलवेज इम्प्लाइड। मतलब ये बताया नहीं जाता है कि यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली, ये बस इम्प्लाई होता है, ये बस अपने आप पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, यू है। इनके अब ये तो था इम्पेरेटिव का, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज है, वहां भी हम इसको डिटेल से करेंगे, डोंट वरी। अभी हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि क्या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे। अब इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, आई होप कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पता होगा कि क्या होते हैं। इन केस ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशंस इट इज प्रेफर्ड दैट वी चेंज सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस सो दैट इट इज इजियर टू फाइंड द सब्जेक्ट। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वैसे तो आप इजीली देख करके पता लगा सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो उस सेंटेंस को हम या वो इंटरोगेटिव हो या वो एक्सक्लेमेटरी हो, उसको हम किस में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, असर्टिव सेंटेंसेज में, ताकि हमको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखते ही पता लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैज शी ब्रॉट द बुक्स, वैसे तो इसमें देखते ही पता चल रहा है कि जो शी है इसके बारे में मेन जो है बात हो रही है, और ब्रॉट द बुक्स क्या है, ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा, हैज ब्रॉट द बुक्स। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इन ऑर्डर टू फाइंड द सब्जेक्ट वी मे री राइट दिस सेंटेंसेज, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस था, इंटरोगेटिव था, इसको सिंपली अगर बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को हैज के इधर लगा देंगे, शी हैज ब्रॉट द बुक्स, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, शी के बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बताया जा रहा है कि वो बुक्स लेकर के आई। नाउ इट इज क्लियर डेट द सब्जेक्ट इज शी, और जो बाकी पार्ट बच जाएगा वो क्या होगा, इसका प्रेडिकेट होगा। ये ट्रिक है अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है। वाओ सच अ प्रिटी फेस, ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हम अगर रीराइट करें असर्टिव सेंटेंस में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू हैव सच अ प्रिटी फेस।
तो ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसका सब्जेक्ट ढूंढना वेरी इजी है। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इनमें भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरह सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, बताया नहीं जाता है, अपने आप समझा जाता है, इम्प्लाइड होता है। आपको खुद ही फील आ जाएगी कि किसके बारे में ये बात हो रही है। वाओ सच अ प्रीटी फेस, वाओ कितना सुंदर चेहरा है, तो इसका मीनिंग क्या है, वाओ यू हैव सच अ प्रीटी फेस, मतलब आपका चेहरा बहुत ही अच्छा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, ये इम्प्लाइड होता है, स्टेटेड नहीं होता। नेक्स्ट है, अभी आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। डू दे ओन दिस हाउस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको हम अगर रीराइट करें, वैसे बिना रीराइट करके एक बारी हम कोशिश करके देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, दे जो हो जाएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि मेन इसी के बारे में बात हो रही है। हाउस तो है ही मेन, कोई बात नहीं है, लेकिन मेन वो हाउस किसका है, दे का है। तो इसमें दे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको अगर हम रीराइट करें तो कैसे रीराइट करेंगे, दे ओन दिस हाउस, ये घर उनका है, तो उनका जो हो जाएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, बिकॉज मेन पार्ट सेंटेंस का यही है, मेन फोकस सेंटेंस में दे के ऊपर किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है, फटाफट से इसको भी देखते हैं। वट अ ब्यूटिफुल बीच इट इज, वाओ मतलब कितना सुंदर ये बीच है, समुद्र का किनारा जो है वो कितना सुंदर है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको हम लिख सकते हैं द बीच इज ब्यूटिफुल। अब ब्यूटिफुल तो है ही मेन, और लेकिन ब्यूटिफुल कौन है, बीच है, तो इससे भी मेन क्या होगा, बीच होगा। तो द बीच जो हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो रेस्ट पार्ट है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। देखिए यहां पर इसमें नोट दिया हुआ है, इन इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रीराइट द सेंटेंस एज स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमको सेंटेंस को क्या करना है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेना है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस बना लेना है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी हम जिनको बोलते हैं वो बना लेना है। और उसके बाद जब वो बन जाएगा तो वेरी इजी हो जाएगा सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, ना भी अगर आप इसको रीराइट करना चाहें तो इट्स ओके चलेगा, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है इस चीज की। तो चलिए, अभी तक जो आपको क्लियर नहीं हुआ था वो एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एक्सरसाइज नंबर वन है, इसमें वेरी सिंपल टास्क है, एनसर्कल द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमको क्या करना है, सर्कल करना है, गोला लगाना है। सेंटेंस नंबर वन बोलता है आंचल इज प्लकिंग द फ्लावर्स, वेरी इजी है, इसमें तो देखते ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, आंचल है। आंचल क्या कर रही है, फूल तोड़ रही है, तो किसको तोड़ा जा रहा है, फूलों को, लेकिन तोड़ कौन रहा है, आंचल, जो मतलब काम को जो मेन करता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की वैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो सब्जेक्ट का बेसिकली मीनिंग ही क्या होता है, करता होता है, जो काम को करता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, नो मैटर वो प्रेडिकेट से पहले है, प्रेडिकेट के बीच में है, या प्रेडिकेट के बाद है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। बस मेन जो काम होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या हो जाता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। लाइक अशोका वाज अ ग्रेट किंग, तो इसमें देखते ही पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, अशोका के बारे में, वो कैसा किंग था, ग्रेट किंग था, तो बाकी का बचा हुआ प्रेडिकेट हो जाएगा, इसमें हमको बताना नहीं है, मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ गॉड्स, भगवान के तरीके कैसे हैं, एकदम स्ट्रेंज हैं, अद्भुत हैं, तो गॉड हो जाएगा कौन, सब्जेक्ट हो जाएगा, तरीके स्ट्रेंज हैं, स्ट्रेंज इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, गॉड है, जो स्ट्रेंज जो तरीके हैं वो किसके हैं, गॉड के। तो मेन एम्फेसाइज जो किया जा रहा है सेंटेंस में किसके ऊपर किया जा रहा है, गॉड के ऊपर। फोर्थ बोलता है द हंग्री काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द हंग्री काउज हो जाएगा, या बेसिकली काउज भी आप कह सकते हैं। द हंग्री काउज क्या कर रही हैं, जो भूखी जो गाय हैं वो क्या कर रही हैं, खेत में चर रही हैं, ग्रेज कर रही हैं। तो द हंग्री काउज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस बोलता है द रिचेस्ट मैन इन आवर कॉलोनी इज मिस्टर महेश। देखिए रिचेस्ट मैन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिचेस्ट मैन है कोई हमारी कॉलोनी में, और उसका नाम क्या है,
मिस्टर महेश, तो मेन एम्फेसाइज जो है वो किसके ऊपर किया जा रहा है, मिस्टर महेश के ऊपर। और वैसे भी सबसे पहले जो हमने लाइन पढ़ी थी वो पढ़ा था कि, ये देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने पढ़ी थी, हाँ, अबाउट विच वी आर टॉकिंग, जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है सेंटेंस के अंदर। देखिए यहां पर एक ये भी लाइन थी, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस नेम्स पर्सन ऑफ द थिंग, द बॉयज, यहां पे था ना द बॉयज रन इन द पार्क, कोई भी वो पार्ट सेंटेंस का जिसके अंदर किसी पर्सन या थिंग का नाम यूज हो रहा होता है वो क्या बन जाती है सेंटेंस का, सब्जेक्ट बन जाती है। तो इसमें जैसे मिस्टर महेश के बारे में बात हो रही थी, हालांकि ये लास्ट में है लेकिन इट डजेंट मैटर कि ये कहां पर है, मेन जो फोकस है सेंटेंस का, मेन जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, मिस्टर महेश के बारे में, तो मिस्टर महेश इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ बोलता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सिंपल सी बात है, किसके बारे में बात हो रही है, इंडिया के बारे में क्या बात हो रही है, इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कि सबसे बड़ी क्या है डेमोक्रेसी है इंडिया वर्ल्ड के अंदर, तो इंडिया जो हो जाएगा वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ बोलता है, वेयर डज द हेयर लिव इन द विंटर, हेयर जो होता है ना जैसे खरगोश जैसा ही, एक खरगोश की ब्रीड होती है हेयर, रैबिट की ब्रीड होती है, ये क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हेयर कहां पर रहता है सर्दियों में, ना तो सर्दी मैटर करती है ना वो रहता कहां है ये मैटर करता है, मैटर क्या करता है कि किसके बारे में बात हो रही है, हेयर के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। एट्थ बोलता है, हाउ फियर्सली द विंड ब्लोज, ये इसमें क्या हो जाएगा, जो हवा जो है वो मतलब कितनी फियर्सली चलती है, तो विंड जो है इसके बारे में मेन बात हो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा। नाइन्थ बोलता है, डीप इन द वेव इज अ कोरल ग्रोव, गुफा के डीप डाउन क्या है, एक कोरल ग्रोव है, तो कोरल ग्रोव के बारे में मेन बात हो रही है, गुफा के बारे में तो हो रही है लेकिन गुफा के अंदर डीप डाउन क्या है, कोरल ग्रोव है, तो मेन जो एम्फेसाइज है सेंटेंस का वो किसके ऊपर है, कोरल ग्रोव के ऊपर, तो यही इसका सेंटेंस हो जाएगा। लास्ट वाला तो बहुत इजी है, नेम से ही आप पता लगा सकते हो कि नेम कहाँ है, जूलिया, तो जूलिया क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, नेम से भी आप पता लगा सकते हैं, जैसे इसमें मिस्टर महेश था, उससे पहले आचल और अशोका था, तो नेम से भी आप देख करके पता लगा सकते हैं, और अगर नेम से देख करके आपको नहीं पता लग रहा है तो आप उसकी समझ के भी आप उसको कर सकते हैं, हाउ डिड जूलिया लर्न हर लेसन सो वेल, हालांकि इंटरोगेटिव था लेकिन इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा पता लगा सकते हैं कि इसका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जूलिया है। वेरी इजी था, यहां तक आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक्सरसाइज नंबर टू करते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। एड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये कुछ सेंटेंस का पार्ट दिए गए हैं, प्रेडिकेट बेसिकली यहाँ पर दिए गए हैं और इसका हमको सेंटेंस बनाना है, डैश इज बैड फॉर योर टीथ, तो इसमें क्या भर सकते हैं हम, चॉकलेट, चॉकलेट की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, CHOCOLATE इज बैड फॉर योर टीथ, या अगर चॉकलेट नहीं लिखना चाहते तो अपनी मर्जी से भी कुछ और लिख सकते हैं, लाइक शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, आइसक्रीम इज बैड फॉर योर टीथ, कुछ भी। डैश इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग, कुत्ता कैसा जानवर होता है, वफादार होता है, लॉयल होता है, फेथफुल होता है। डैश वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज, अ सिंगर वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज, या सोनू निगम वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज, या सिंपली हम इसमें लिख सकते हैं ही वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज, या यू वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज, कुछ भी जो आपको सब्जेक्ट लगे कि यहां पर फिट हो सकता है आप अपनी मर्जी से वो लिख सकते हैं। डैश शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर, इसमें भी बहुत सारी चीजें हम पुट कर सकते हैं, मतलब यू शुड डोनेट, या एवरीबडी शुड डोनेट, कुछ भी जो आपको इजी लगे और अच्छा लगे, या आई शुड डोनेट, यू शुड डोनेट, वी शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर, यहां पर सब्जेक्ट बनाना है, या मिस्टर महेश शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर, या आचल शुड ब्लड डोनेट टू द पुअर, या मिस्टर महेश शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, बस उसकी सेंस बननी चाहिए, वो आप सब्जेक्ट यहां पर पुट कर सकते हैं। फिफ्थ बोलता है, डैश गोज अराउंड द अर्थ,
तो क्या अर्थ के चारों तरफ क्या जाता है, इसमें आप कुछ नहीं पुट कर सकते, सन नहीं लिख सकते, क्योंकि सन के चारों तरफ अर्थ जाता है और अर्थ के चारों तरफ क्या जाता है, मून। ये सेंटेंस तो है लेकिन ये क्या है, एक फैक्ट है, मतलब यूनिवर्सल सच्चाई है कि मून जो है वो किसके चारों तरफ जाता है, अर्थ के। डैश डिलीवर द स्पीच इन द असेंबली, अब ये जर्नल सेंटेंस है, यहां पर आप द टीचर लिख सकते हैं या द चीफ गेस्ट लिख सकते हैं या सिंपली द प्रिंसिपल लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल ने क्या किया, एक स्पीच डिलीवर किया असेंबली के अंदर। डैश ऑन द टेबल आर माइन, इसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, पेंस पेंसिल बुक्स या कैश या कुछ भी। द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, जो टेबल पर जो बुक है वो किसकी है, माइन, मेरी है। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब इसमें आप बेंगलोर नहीं भर सकते, केरला नहीं भर सकते, कुछ और नहीं भर सकते, बिकॉज ये क्या आ गया, फैक्ट आ गया इसकी तरह। तो क्या है हमारी कैपिटल, हमारे प्यारे भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। डैश वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हालांकि वैसे तो जीके का क्वेश्चन है, फैक्ट है। और हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वैसे आपको पता भी होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, आप थोड़े देख लेना यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है। डैश इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबको पता है फेब्रवरी, FEBRUARY, इसकी स्पेलिंग आपने ध्यान से याद रखनी है, FEBRUARY, फेब्रवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आज हम इतना ही करेंगे, इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 और ये जो मैच द कॉलम है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही अपलोड हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप इसको पहले इस वीडियो को देख ले सेकंड पार्ट आने से पहले। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल फेलो क्लासेस, थैंक यू।